ढाका और उसके बाद कारगिल, उसमें कॉमन थ्रेड है. द थ्रेड इज के जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं. कारगिल में तो भागे भागे गए अमेरिका को, जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ. कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था. रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी. टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था. इनकी पूरी फौज सिर्फ ट्विटर पे है. ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा इनकी फौज के कुछ बस का नहीं है. इन्होंने क्या हासिल करा कारगिल में? आपकी फौजों की लाशें तो हमने गाड़ी हैं फौजियों के, आपने इतने बंदे अपने मरवा दिए, आपको क्या हासिल हुआ? आज पूरे देश ने 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया. फरवरी 1999 में पाकिस्तान की बस यात्रा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक तरफ जहां दोस्ती का पैगाम दे रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुशर्रफ ने भारत के पीठ में खंजर झोंप दिया जब उन्होंने कारगिल में अपने घुसपैठियों को भेज दिया. घुसपैठियों को निकालने के लिए भारत को 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा. अंततः भारत विजयी रहा, पाकिस्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ा. इसी सत्य को स्वीकार करती पाकिस्तानी मीडिया की परचर्चा आइए आगे सुनते हैं. नहीं हुआ ये कि जून में फुल फ्लैश वॉर हो रही थी, इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी कैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे. हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे रेशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी. सो मतलब वी वर बींग पाउंडेड. और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों, हमारे सोल्जर्स के रेशंस हैड रन आउट, स्टार्वेशन वाज सेटिंग इन. टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था. कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था. सर्दियों में वो भी अपनी पोस्टें को छोड़ के वापस चले जाते हैं और हम भी अपनी पोस्टें छोड़ के वापस आ जाते थे. ये एक रिकग्नाइज्ड तरीकेकार था. इन्होंने उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जब दुश्मन वहां पर मौजूद ही नहीं था और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहां पर आकर बैठ गए. तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए कि ये मतलब है कि उसमें बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो. अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था. मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया, मैंने इनसे पूछा कि व्हाट वर योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. और इसी तरह से मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और बाकी ऑफिसर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं बताया गया था. ढाका और उसके बाद कारगिल, उसमें कॉमन थ्रेड है. द थ्रेड इज के जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं. कारगिल में तो भागे भागे गए अमेरिका को, जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ. अरे भाई गए क्यों अगर नहीं तुम भुगत सकते थे? अच्छा दूसरी बात, बिन लादेन का तो खैर छोड़ें, इसका सोचें. अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है. पता है आपको हिंदुस्तानी क्या कहते हैं? कहते हैं अमरीकनों ने उनको ठीक ठाक धमकी दी. ये हमारा नेशनल ऑनर, नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल लॉज, हर चीज वायलेट हो गया है. क्यों? कि एक अमेरिकन था और वो दो लोगों को कत्ल किया और हमारे में जुर्रत नहीं थी. तो आज क्या हो रहा है शाजिया? हिंदुस्तान कह रहे हैं यार इनको पैसे दो. गुलबशन को पूछो तुमने कितने लोगों को मारे हैं और उनके रिश्तेदार को जाओ मिलो और उनको कहो कि यार ये पैसे हमारे से ले लें या मेहरबानी से इसको छोड़ दें. अमेरिका दिन रात आपको धमकी दे रहा है, कहता है ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा. क्यों कर रहा है? इसलिए उनको पता है कि वो थ्रेट्स जो आते हैं आपको, आप थ्रेट्स को देख के डर जाते हैं. उस वक्त मियां साहब ने ये फैसला किया कि फिर इसको अब कैसे इसमें अपने आप को एक्सट्रैक्ट किया जाए. तो ब्रीफिंग तो मुशर्रफ ने दी थी कि वहां की सिचुएशन क्या है. मुशर्रफ साहब का ये ऑप्शन था कि हम और बेचते हैं खुली, फिर अब करते हैं
तो मियां साहब ने रोका, उन्होंने कहा नहीं ये तो फिर खुली जंग शुरू हो जाएगी, तो इसमें से अब एक्सट्रैक्ट करना है अपने आप को। तो एक्सट्रैक्शन क्या, कैसे किया जाए, अमरीका को बीच में डाला जाए। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ रब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्टोप टैबलेट साहब हैं जो जिन्होंने पूरी किताब एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहां से निकालें, उन्होंने कहा निकालेंगे आपको मिलेगा कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें ये करें, ऐसा कुछ नहीं आप निकलेंगे, उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4th उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे डेस्परेट, उनका आना ही स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ फियर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी, और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे सबसे, मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल बिकॉज वी वर विदाउट कवर and we were withdrawing. जो स्ट्रेटजी मिलिट्री स्ट्रेटजी की that was very good, और पोलिटिकल स्ट्रेटजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? yeah. और अभी भी वही हुआ। और इन्होंने क्या हासिल करा कारगिल में, आपको हासिल क्या हुआ कारगिल से, आप ये एक बात सोच के बताए ना कोई पाकिस्तानी, आपको हासिल क्या हुआ? आपने अटैक करा, नवाज शरीफ को जाना पड़ा, बिल क्लिंटन से मिलना पड़ा, आपकी फौजों की लाशें तो हमने गाड़ी हैं फौजियों के, देयर आर पिक्चर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप देखें। आपको क्या हासिल हुआ अपने इंदे मरवा के, आपने इतने बंदे अपने मरवा दिए, आपको क्या हासिल हुआ? आपके जनरल जॉन रिकॉर्ड हैं कि आपके 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए वहाँ पे, 1000 से ज़्यादा जाने गई क्यों, पाकिस्तानी जानों की बात कर रहा हूँ, हमारे तो 527 वीरगति को प्राप्त हुए हमारे, पाकिस्तानी कहते हैं सर कि हमारे क्यों? इसलिए पाकिस्तान को यह पता लग गया कि वो कन्वेंशनल वॉर भारत के साथ जीत नहीं सकता, इट कैनॉट बी डन। हम तो वेट कर रहे हैं सरप्राइज का, अभी तक तो किसी ने कोई सरप्राइज दिया नहीं हमें, ना मुझे आगे कोई उम्मीद है कोई सरप्राइज देंगे। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं अपनी फौज से, इनकी पूरी फौज सिर्फ ट्विटर पे है, ट्विटर के अलावा फेसबुक के अलावा इनकी फौज के कुछ बस का नहीं है। 1999 की सर्दियों की है जब भारतीय सेना कारगिल की चोटी से नीचे उतर आई थी, जैसा कि पहले से होता रहा था। पाकिस्तान ने चुपके से अपने कुछ आतंकवादियों और सैनिकों को कारगिल के उन ठिकानों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया जिस पर पहले से भारतीय कब्जा रहता था। गर्मियों की जब शुरुआत हुई तब कुछ चरवाहे उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिकों आपस में बातचीत कर रहे हैं और हलचल जारी है, तब उन्होंने इसकी सूचना नीचे भारतीय सैनिकों की दी और इस सूचना पर उन घुसपैठियों को निकालने का काम मई 1999 से शुरू हुआ, जिसका नाम ऑपरेशन विजय दिया गया, जो 26 जुलाई 1999 को पूरा हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 537 सैनिक शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान ने इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक कितने उसके सैनिक मारे गए इसकी सूचना नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक यह मानता ही नहीं कि इस ऑपरेशन में उसके सैनिक शामिल थे। यहां इस पृष्ठभूमि को और आगे विस्तार करते हुए यह बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध बनाने के उद्देश्य से आपस में भाईचारा पक्का भाव पैदा करने के लिए 19 फरवरी 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की यात्रा बस से गए थे। इधर वे बस की यात्रा कर रहे थे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गले लग रहे थे। उधर पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ भारत के इलाके में कारगिल में घुसपैठ करा रहे थे। कारगिल के पहाड़ियों पर कब्जा कर पाकिस्तानी सेना की यह योजना थी कि सियाचिन ग्लेशियर, जिस पर भारतीय सैनिक काबिज थे, उसका सप्लाई लाइन काट दिया जाए ताकि भारत को वहां से अपने सैनिकों को हटाना पड़े। पर हुआ उल्टा, भारत ने ही कारगिल का कनेक्शन पाकिस्तान से काट दिया और परिणाम स्वरूप वहां की सेना ने वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से निवेदन किया कि वे भारत को रोकें। नवाज शरीफ को यह पता था कि मामला हाथ से निकल गया है और भारत उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वे भागे भागे अमेरिका गए और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से उन्होंने अनुरोध किया कि वो भारत को कहें कि पाकिस्तानी सैनिकों को जो कारगिल के चोटियों पर फंसे हुए हैं उनकी जान बख्श दे। बिल क्लिंटन के कहने पर भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों का जान बख्श दिया। पाकिस्तान की सेना आज भी यह झूठा दंभ भरती है कि वे युद्ध जीत रहे थे पर नवाज शरीफ ने काम बिगाड़ दिया, पर हकीकत यह है कि
जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो भी भारत के खिलाफ किया था वह नवाज शरीफ की जानकारी में नहीं था। इस पुस्तक में इन सारे झूठ से पर्दा उठाया गया है। पाकिस्तान का सैनिक नेतृत्व नहीं चाहता है कि भारत से शांति स्थापित हो, क्योंकि सीमा पर तनाव ही पाकिस्तानी सेना के बने रहने का एकमात्र उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।